क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये क्या है? वो तो बस ऐसे ही आ गया था। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आपको नहीं पता क्या सर आप कौन हो? हाय फ्रेंड, आज हमने खोला अपना खुद का मैकडॉनल्ड्स। तो चलो देखते हैं कि हमने कैसे किया। चलो दूसरा पोस्टर लगाते हैं। हाँ। तो फ्रेंड्स अब हमारा सारा सामान रेडी है, सब कुछ सेटअप वगैरह सब कुछ हो गया है। अब बस फर्स्ट कस्टमर का वेट है। हाँ। आइए मैडम आइए, एक वेज मैकपफ देना। जी मैडम। कितना टाइम लगेगा? रुको जरा, सब्र करो। बस 10 मिनट। 10 मिनट? इतना क्यों लगेगा टाइम? मैम इतना टाइम तो लगता ही है। मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? बुलाओ चुराओ उसको। स्टोर पूरा खाली पड़ा है, किस बात के 10 मिनट लगते हैं? मैं पहली बार आई हूँ क्या स्टोर में? सर क्या हुआ? जी मैडम बोलिए। हुआ क्या? बड़ी बदतमीज एम्प्लॉय है तुम्हारी, बात करने की तमीज नहीं है। चल छुट्टी। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुझे बदतमीज बुलाने की? नहीं चाहिए मुझे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मैडम ऐसा मत करो, मैडम लेके जाओ। मैडम मैकपफ तो लेके जाओ, कहाँ रखा हुआ मैकपफ? अरे मैडम लेके जाओ, अगली बार ऐसा किया ना जॉब से निकाल दूंगा मैं। आई बात समझ में? नहीं। बहुत सॉरी सर। निकाल के तो दिखा जाओ से। आइए मैडम आइए। भैया एक मैक आलू और एक मैक पफ देना। ठीक है मैम। और कुछ चाहिए मैम? नहीं भैया थैंक यू। मैम सॉफ्ट ड्रिंक तो ले लीजिए, मील बन जाएगी मैम एक इसमें। नहीं भैया थैंक यू। मैम सिर्फ 29 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। नहीं चाहिए ना मैम। आप बताइए बिल कितने का हुआ? मैम सिर्फ 149। अच्छा ठीक है। मम्मी मुझे एक फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए। फ्रेंच फ्राइज भी चाहिए? हाँ। अच्छा भैया एक फ्रेंच फ्राइज और कर देना। ठीक है मैम। अरे सुनिए भैया, आप एक काम करिए, ये मैक आलू टिक्की हटा के ना आप एक पनीर रैप कर दीजिएगा। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है मैम। नहीं आप एक काम और करना भैया, कोल्ड ड्रिंक और ऐड कर दो। मैम मैं तो पहले कह रहा था। तो कोई बात नहीं भैया, पहले आपने कहा मैंने कह दिया। ठीक है मैम कर दिया। अच्छा सुनो भैया, आप एक काम करना, आप मैकपफ हटा के ना महाराजा बर्गर कर दो। कंट्रोल। ओके मैम और कुछ भी चाहिए? नहीं ये फाइनल नहीं है, रुकिए। महाराजा बर्गर हटा के ना आप हैप्पी मील ही कर दो। मैम सोच लीजिए मैम, और कुछ चाहिए आपको? अरे मैम आप बहुत कंफ्यूज कस्टमर लग रही है। नहीं मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे लिए? मैम आप ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं, तो हम आपके साथ ना एक चैलेंज खेल लेते हैं। चैलेंज? कैसा चैलेंज? आपको ये सब जो आपने बनवाई है ना अपनी मील, ये हम आपको सारी फ्री दे देंगे, लेकिन आपको एक चैलेंज करना पड़ेगा हमारे साथ। क्या चैलेंज करना है? आइए आप यहाँ पे आइए। अंदर आओ। और मैं आ रही हूँ। बताइए क्या चैलेंज करना है? ये जो आपकी कोल्ड ड्रिंक है, हाँ जी, ये आपको 10 सेकंड में पी के दिखानी है। 10 सेकंड में? हाँ जी। तो मुझे मिलेगा क्या? ये सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगा विदाउट बिल। ये वाला ही हमें को लगा पूरा स्टोर मिल जाएगा। अरे पूरा स्टोर आप करेंगे तो हम खाली बैठेंगे। मैम हमारी नौकरी का तो ध्यान रखो। अब आए ना लाइन पे, चलिए लाइन में। कैसे बैठा मैम? बैठा ना रखे, चेयर भी नहीं है, खड़े हुए हम तो। खोल के भी नहीं देते हैं मैम, वो सैनिटाइजेशन का जमाना चल रहा है ना, हम नहीं खोल सकते हैं, कंपनी के रूल्स हैं। कितने सेकंड में बोला था? 10 सेकंड में कोई पीता है? हाँ वही तो चैलेंज है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैम सारी कोल्ड ड्रिंक पी जाओगे क्या? फ्री की वो कोल्ड ड्रिंक समझ रखी है आपने? लेकिन 10 सेकंड में। फ्रेंड देखो कुछ भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पी है मैम, जरा वहीं पर जाओ बिल पे करो बिल। जली ना तेरी भी जली ना, बताओ बोलने की बिल्कुल भी अकल नहीं है कस्टमर से। मैडम अब आपको दे रहे पूरे पैसे 275 रुपीज होंगे 275 और हमारी कोल्ड ड्रिंक भी वेस्ट कर दी आपने। चैलेंज करने के लिए आपने बोला था कोल्ड ड्रिंक आपने अपने आप वेस्ट कराई है, मैंने नहीं कराई है। मैं कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं दूंगी, बाकी पैसे बताओ अपने कुछ कस्टमरों से। मैम अब आपको चाहिए या नहीं चाहिए? आप दे ही दो 275। एक काम करना हैप्पी मील हटा देना और आलू टिक्की बर्गर ही डाल देना। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। कोई नहीं है। शाबाश बेटा। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ये क्या है? बस ऐसे ही आ गया था। You are fired। कितनी चोरियां करते हो, निकलो यहाँ से बाहर। बस बर्गर भी रखा हुआ है, निकलो यहाँ से बाहर। और कुछ नहीं रखा, पहले चेकिंग कराओ। ओह केचप भी, तुम्हारे खिलाफ तो मैं पुलिस केस भी करूंगा। निकलो यहाँ से, निकलो। देख लियो जो देखना हो। फ्रेंड्स देख रहे हो कैसे कैसे चोर आ गए हमारे स्टोर में। चलो मैं नया एम्प्लॉय करता हूँ रिक्रूट। फ्रेंड्स आपने देखा पिछले वाली एम्प्लॉय ने कितनी चोरी की और हर एक से लड़ाई करती रहती थी, तो मैंने नई एम्प्लॉय रखी है। तो मैं चलो आपको उससे मिलवाता हूँ। मिसेशना। यस सर। ये है हमारी नई एम्प्लॉय और अब ये हमारे सारे कस्टमर को अच्छे से ट्रीट, ठीक है ना? यस सर। जल्दी करो, कस्टमर आ गया। कस्टमर ठीक है सर। आइए मैम, आइए। एक ब्लैक वेजी देना। जी मैडम। कितने हुए? 150 मैम। क्या टैक्स बढ़ गया है क्या? नहीं मैम, रेट तो वही है मैम। फिर इतना महंगा कैसे हो गया? मैम आपको कंफ्यूजन हुई होगी मैम। अरे नहीं, पहले सस्ता हुआ करता था, कुछ डिस्काउंट दे दो ना। कोई तरीका है भीख मांगने का? नहीं मैडम, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉरी। प्लीज। सॉरी मैडम। फिर एक काम करो, मेरे पास तो सिर्फ 75 रुपीज है, तो हाफ काट कर दे दो। क्या? अरे मैडम आपके लिए ना फिर हम एक काम करते हैं, चैलेंज रख लेते हैं। हाँ, फ्री के लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगी। चलो जल्दी से अंदर आओ। आइए मैडम, आइए। तो कैसा चैलेंज? मैम देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों को, आपको भी करना है मैसेज ना, मुझे भी करना है। हाँ जी। अब देखो दोनों के मैंने बर्गर रख दिए हैं, दोनों को यहाँ एक के ऊपर एक लगाने हैं और जिसका पहले गिर गया वो गेम से आउट। तो शुरू करें? हाँ जी। स्टार्ट। थैंक यू इसला, थैंक यू। अब आपका फ्री का कैंसिल। जाओ यहाँ से। प्लीज भैया कस्टमर से बात कर लेंगे, कंप्लेंट करवाऊंगी मैं। मेरी कंप्लेंट कराएगी, मेरी कंप्लेंट। प्लीज आधा बर्गर दे दो। अरे मेकअप रख लो, जा। हमारा तो बच गया। 75 रुपीस दे गई और 35 रुपीस का बर्गर दे दी। तेरे को कितने 75? अरे मुझे भी नहीं देके गई। अरे अभी मैं चला गया बर्गर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बर्गर का नुकसान करा दिया सर। अरे फंसवा दिया तुमने तो हमारे मैनेजर साहब गए घूमने अपने बीवी बच्चों के साथ और ये पूरा स्टोर मुझे संभालने के लिए दे गए। भला मेरे से अकेले पूरा स्टोर संभलेगा? तो मैंने वो जो चोरनी थी ना, वो जो पुराने स्टाफ में थी, वो बुला ली है, जिनवानी। मुझे तो पता ही था ये स्टोर मेरे बिना चल ही नहीं सकता। सुनो अब मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, अगर अब कोई चोरी की ना तो देख लेना, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। अच्छा हमको सिखा रिया है? निकलवा के तो दिखाओ, वो तो मैं दिखा दूंगी। चलो कस्टमर आ गए। मैडम ये जो आपने वाईफाई लिखा हुआ फ्री वाला, ये अवेलेबल है? जी सर। दो ना फिर? सर आपको चाहिए क्या पहले ये तो बताइए। अभी तो मुझे फ्री वाईफाई चाहिए, वो दिला दो ना। सर वाईफाई तभी मिलता है जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है। अच्छा तो आपके पास एक गिलास पानी है? सर वो ऑर्डर में नहीं आता, सॉरी। अच्छा, तो जो ये मैक वेजी लिखा है ये कितने का है? सर 85 रुपीस का। अच्छा और ये मैकपफ कितने का है? सर 40 का। अच्छा, और वो मीडियम वाली कोल्ड ड्रिंक कितने की है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 65। अरे मैडम, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ ऑर्डर के लिए, तब तक आप मेरे को वाईफाई का पासवर्ड दो तो मैं चूज कर लेता हूँ। आपका मेन्यू इतना बड़ा है, मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है सर, लिखिए पासवर्ड। कंजूस मक्खी जूस कस्टमर। मैडम पासवर्ड तो बड़ा अजीब रखा हुआ है आपने। हाँ चल गया मैम पासवर्ड। मैम और ये जो आपकी मील है ये कितने की है? सर 275 की। अच्छा, और मैम ये वाली जो आपकी जो आइसक्रीम लिखी है वाली कितने की है? जो ये क्या है बनाना चोको फ्लफी कितने की है? सर 85 की। और मैम ये बच्चों के हैप्पी मील कितने की है? मैं नहीं बताऊंगा। सर आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? अरे मैडम जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। मुझे तो चाहिए था इंटरनेट का एक्सेस, क्योंकि मेरे को भेजनी थी अपने बॉस को ईमेल। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं जा रहा हूँ। ओके टाटा बाय बाय। ए छोकरी, यार रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है? क्या चाहिए? ये बड़ा पाव क्या रेट का है? इतना सारा रखे हुआ तुमने। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये रेडी दिख रही है बड़े पाव की। अरे है कितने का? चलो चलो यहाँ से चलो, चलो आगे बढ़ो। अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? बात कर, मेरे को जानता नहीं। आपको नहीं पता क्या सर आप कौन हो? अरे छुटकी तू तो छुपी रहे। गुंडा गुंडा ये फ्री क्या लिखा हुआ है? क्या मुफ्त बट रहा है यहाँ पे? वाईफाई। अरे वाइफ लेनी ना है मुझे, यहाँ पे गांव में 2-2 है मेरी वाइफ। तो क्या नाचो मैं? अरे पेट्रोल पंप का काहे को तुमने पोस्टर लगा रखा है यहाँ पे? सर आप थोड़ा सा ना पहले पढ़ लिख कर आइए, अपनी PhD वगैरह कंप्लीट कर आइए, तब हमारे स्टोर में आइए। हमारे पास बहुत पैसा है। ये देखो जो ये तुमने वड़ा पाव लगा रखा है इसमें 2-2 टिक्कियाँ, ये कितने का है? आपको कहने का क्या मतलब है? 2 टिक्की वाला बड़ा भाव है। अरे मुझे तो ये समझ में ना आ रहा कि तुमने ये कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में पेट्रोल क्यों भरे हो? सर पी के देख लो, आपको पता लग जाएगा। एक बड़ा पाव दो, 2 टिक्की वाला, और ये पेट्रोल वाला ग्लास चाहिए। पेट्रोल वाला ग्लास? अरे तुम मुझसे बड़ा मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट की तरह जरूर कर देना, और हम उस गुंडे से निमट कर आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। चाची जी अरे अरे क्या कह रहे हो? ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।